हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मार्केट काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं कि मैंने इस ब्रदर प्रिंटर की, जो मेरे पास प्रिंटर है, आप देख सकते हैं मेरे पास प्रिंटर है DCPT 420W। मैंने काफ़ी बहुत सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हैं। जब मैं ये परचेज किया था उस टाइम पर मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं थी कि मैं इसको किस तरह से यूज करूँ, कैसे इसको यूज करना है, प्रिंट कैसे दिया जाता है, किस तरह से है। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की थी प्रिंटर को लेकर। तो आज मैं एक बार फिर कुछ वीडियो लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप पेज के दोनों साइड प्रिंट किस तरह से करते हैं। मीन्स फोटोकॉपी अगर आप करते हैं तो दोनों साइड फोटोकॉपी, जेरॉक्स जो आप करेंगे तो पेपर के दोनों साइड जेरॉक्स कैसे होती है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं इसमें एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले से ही 2-in-1 फोटोकॉपी की। जो आपका अगर कोई आईडी है, सपोज आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी आईडी है, उसे आप किस तरह से 2-in-1 फोटोकॉपी कर सकते हैं, उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। लेकिन फिर भी मेरे कुछ भाइयों का कमेंट आया है कि सर एक बार और बता दीजिए कि हम पेपर के दोनों साइड फोटोकॉपी किस तरह से करें, हमें पता नहीं चलता है कि पेपर इधर से रखना है या उधर से रखना है, किधर से हमें रखना है। तो उसके बारे में आज आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से किसी भी पेपर की अगर आप फोटोकॉपी करते हैं तो उसके दोनों साइड से किस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा आईडी, ये वाला। तो फ्रेंड्स, मोस्टली ये किस वजह से है, ये इस वजह से दिया हुआ होता है कि आपके पास अगर कोई आधार कार्ड है या कोई पैन कार्ड है, कि आप उसकी दोनों साइड से फोटो कॉपी एक ही बार में, मतलब आपको पेपर को बदलना नहीं है, आपकी एक ही साइड, दोनों साइड की, आपकी इधर साइड की भी, ये साइड और आपकी जो ये वाली साइड है, ये दोनों एक साइड एक ही बार में आपके पेपर पे प्रिंट होके आ जाए। तो इसकी तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको अगर इस तरह से कि आपके कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड को एक ही साथ में, एक ही बार में आपको उसको वीडियो बनानी है, आपको सपोज क्या करना है कि आपके पास कोई आधार कार्ड प्रिंट होने के लिए आता है, हम क्या करते हैं कि दूसरा प्रिंटर होता है, उसमें पहले हम इधर से कॉपी रखेंगे, फिर पेपर देंगे, उसके बाद फिर दूसरी साइड से उसको चेंज करेंगे, उसके बाद फिर पेपर को इंसर्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, इस ब्रदर में थोड़ा इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इसमें जो आपका आईडी, जो छोटी जो आईडी होती है आपकी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ है आपके ड्राइविंग लाइसेंस, उसे आप एक ही बार में दोनों साइड से फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो वो तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं एक बार आपको बताता चलूँ कि वो किस तरह से होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज मुझे आपको ये मेरी शॉप का विजिटिंग कार्ड है और दूसरी साइड मैंने कुछ लिख दिया हुआ है एवन वेल शॉप, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको इधर से रख लेते हैं और यहाँ से करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको शॉर्टकट की जो है 2-3 सेकंड के लिए दबा के रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप दबाएंगे तो ये जो है स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। अब हमारी स्कैनिंग हो चुकी है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम उठाएंगे और हम इसी को ही यहीं पर सेम एज इट इज, इसी जगह पर सेम इसको ऐसे ही रख देंगे और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इसको कॉपी शॉर्टकट को फिर क्लिक करेंगे तो हमारा एक ही पेपर पे ये दोनों साइड का प्रिंट होकर आ जाएगा फ्रेंड्स। अभी आप देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा ये फोटोकॉपी होकर स्टार्ट आ चुका है। फ्रेंड, इसमें मेरे कमेंट्स में बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया हुआ है कि सर जब हम फोटोकॉपी करते हैं तो, फ्रेंड देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया है मेरी वीडियो पर कि आप देखते हैं कि आपका ये वाली लाइट भी ऑन है और आपकी ये वाली लाइट भी ऑन है, ठीक है ना। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि इस तरह से अगर आप कोई भी फोटोकॉपी करते हैं और आपकी ये वाली लाइट, मेन जो पावर आपकी, इसके साथ ये वाली लाइट दोनों एक साथ ब्लिंक कर रही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका पेपर जैम हो चुका है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके अगर दोनों लाइट एक साथ ब्लिंक कर रही हैं, ये वाली लाइट, ये आपकी जो इंडिकेट करती है कि आपका पेपर जैम हो गया है, पेपर जाम हो चुका है इसका, ये इसका मीन्स है। और जो नीचे वाला लाइट अगर ये ब्लिंक करती है, इसका मतलब क्या है कि आपका इंक लेवल लो है। तो आपकी ये वाली लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब हमारा पेपर जैम। हम क्या करते हैं, हम अपनी ट्रे को बाहर निकालेंगे, इसे देखते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे ट्रे में पेपर ही नहीं है, सिर्फ एक ही पेपर पड़ा हुआ है, ये एक पेपर पड़ा हुआ है जिससे हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा था। अब हम क्या करते हैं, इसमें अपने ट्रे में 2-3 पेपर रखते हैं। अब मुझे प्रॉब्लम थोड़ी ये हो रही है कि मैं एक ही हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक ही हाथ से मैं इसको आपको बता रहा हूँ। हम इसमें क्या रखते हैं, इसमें पेपर रख देते हैं, ठीक
ठीक है फ्रेंड्स। और इसे जो है इस तरह से यहाँ पर इसको हम ऐसे रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये रख दिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला बटन इसको एक बार प्रेस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा हो चुका है, तब हम अब हम क्या करेंगे, दोबारा से ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इधर से रखेंगे, ये वाला प्रेस करेंगे एक दो सेकंड के लिए, ये हमारा स्कैनिंग करेगा। इसके बाद हम यहां से इसको चेंज करेंगे, यहां से इसको ऐसे रखेंगे, इसके बाद ऐसे करेंगे, और ये फिर आप मोनो वाला क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये जो है दोनों साइड का एक ही पेपर पर अब कॉपी होकर आने वाला है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है एक ही साइड में कॉपी होकर आ चुका है। अब कुछ लोगों का इस पर कमेंट था कि सर आज हम जब इस तरह से आईडी की अपनी फोटो कॉपी करते हैं तो हमारा कलर आता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता। तो फ्रेंड उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं कि आपका अगर दोनों साइड का एक बार में कॉपी करने पर आपका कलर आ रहा है तो आपको सेटिंग चेंज करनी होगी बाय लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप उसको कनेक्ट करके। वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर किसी को वो वीडियो नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका लिंक आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि सर हम अगर कोई कॉपी कर रहे हैं तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों साइड की कॉपी किस तरह, सपोज कर हमें ये वाला पेपर आईडी हमें ऐसे नहीं करनी है, हमको हमारा कोई बड़ा पेपर है, हम उसको एक साइड से इधर करेंगे, ऐसा रख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, हमने ये एक साइड से ऐसे रख दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हमने, चलो इधर से रख देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने इसको रख दिया है, तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आप पेपर यहां से इंसर्ट नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके पेपर यहां से नहीं जाएगा। इसके लिए अगर आपको पेपर रखना है तो आप देख सकते हैं यहां, ये है फ्रेंड इसका रखने के लिए पेपर, जी हाँ, यहां से आपको फिट करना होगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, देखो हम ब्लैक वाला, हमें ये मोनो वाली करनी है, मोनो वाली हम क्लिक करेंगे दो सेकंड के लिए, तो आप देखेंगे हमारा वो जो है पेपर जाना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। तो देखो वो हमारा इस तरह से जा रहा है, आप देख सकते हैं हमारा ये प्रिंट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर हम इसके पीछे प्रिंट करना है तो फिर किस तरह से रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम सर मैं पता नहीं हमें ऐसे ही रखना है, ऐसे दूसरी साइड प्रिंट आएगा या ऐसे उल्टा करके रखे, तो हम चलो क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे करके रख देते हैं, इसको ऐसे करके रख देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें जो प्रिंट देना है हमें इस वाली साइड पे प्रिंट देना है, इस वाली साइड पे, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे करके रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे किस साइड पे प्रिंट होके आता है, ठीक है फ्रेंड। हमने रख दिया, अब हम मोनो पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैंने आपको समझाने के लिए एक बार ही बता दिया है जिससे कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ये देखो हमारा फिर स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं ये हमारा ये आ चुका, तो क्या ये हमारा पेपर जाम का है। हम क्या करेंगे, इसको पेपर को धीरे से, या तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या आप क्या करेंगे यहां से इसको बाहर निकालेंगे और इसको आराम से ऐसे आराम से बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। इस तरह से करना है आपको, अगर आप खींचोगे तो आपको पेपर जो है फंस सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहीं से रखेंगे क्योंकि हमारा ये इधर से आया हुआ है, अब हम यहां से रखेंगे इसको, ये ऐसे रख दिया, इसे हम एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद अब फिर हम क्या करेंगे, अभी वो सेम इंडिकेट दे रहा है फ्रेंड्स, इसे हम एक बार ऐसे दबाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या जल्दी से करते हैं कि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, अब हम इसको फिर इस तरह से रखेंगे,
और हम इसको जल्दी से दबा देते हैं। सॉरी, ये वाला माइनस वाला दबाना है जो ब्लैक वाला है। इसको हम क्या करेंगे, अगर फ्रेंड्स आपको पेपर में इस रखने से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, आप क्या कर सकते हैं कि पीछे एक स्टैंड सा बना हुआ है, आप इसे भी ऐसे खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे खुल जाएगा, ये पेपर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, ठीक है ना, इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये पेपर आप देख सकते हैं जा रहा है। और अब हम देखेंगे कि हमारा ये दूसरी साइड से प्रिंट होकर आ रहा है। तो वह ऐसा किस लिए है, ऐसा क्यों है फ्रेंड्स ये? तो इसमें क्या है कि आप जो है सिर्फ जो है, देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा प्रिंट होके एक साइड आपका ये आ गया और एक साइड आपका ये आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स इसमें क्या है कि इसमें जो आप 2-in-1 जो दोनों साइड की एक बार में कर सकते हैं, वो सिर्फ आईडी के लिए है। अगर आप A4 साइज का करते हैं तो A4 साइज का दोनों का एक बार में नहीं होगा फ्रेंड्स। जी हाँ, इसमें सिर्फ आईडी का ही आप इसमें दिया हुआ है कि आप आईडी का ही आप एक बार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश भी करना चाहेंगे कि आप इसकी बड़े कोई पेपर की दोनों तरफ से एक साइड करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कोई कमेंट करके बताइए। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।